हिंसा कांड के बाद लगातार उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे केशम और राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। आज फिर ये लखीमपुर खीरी पहुँचे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज क्या कुछ उद्देश्य है यहाँ पहुँचने का और कुछ संगठनों के साथ पहुँचे हैं, वो संगठन कौन कौन से? सारे संगठन SKM के संगठन हैं, वे लोग आए हैं और पीड़ित पक्ष है वे सब लोग मिलेंगे, जो भी बातचीत होगी उनके सामने होगी और SKM इस पूरे मामले को शुरू से देख रहा है। क्या किन मुद्दों पे बात होनी है, किनसे मिलना है आप लोगों का, क्या शेड्यूल है आज के आने का? उनसे मिलेंगे, उनके पीड़ित पक्ष जो है उससे मिलेंगे और जो समझौते हुए थे उसमें देरी क्यों हो रही उसमें मिलेंगे। अजय टैनी की बर्खास्तगी में क्या भूमिका है सरकार की उसके संबंध में बातचीत अपने अधिकारी को कहेंगे, ये सब रहेगा। टिकैत जी, बड़े जो आरोप लगे आप पे, पिछली बार भी आप आए परिजनों से मिलते हैं, परिजनों का कहना था कि आते हैं और राजनीति जमका के चले जाते हैं, जो वादे किए गए थे, जो मुद्दे थे उन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या कुछ इन आरोपों को लेकर आए? उसी लिए तो आए हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ पर उसी लिए तो आए हैं। तो क्या कैसे आप मिलते रहेंगे इसी तरीके से और आते रहेंगे जाते रहेंगे, कार्रवाई कैसे होगी? क्या तिकुनिया कांड के बहाने टिकैत जी बार बार लाइमलाइट में आने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं नहीं, लाइमलाइट में किसी की हत्या पर हम लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। हत्या हुई और जब तक उसका पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा, हमको जितनी बार भी यहाँ पर आना पड़ेगा हम आएंगे और जितनी बार भी SKM को पूरे देश में अपने मंच से आवाज़ उठानी पड़ेगी हम वो आवाज़ उठाते रहेंगे। दिल्ली में बड़ी आवाज़ उठाई अपने किसानों को लेकर और उसके बाद में अब जब आपकी पहली मांग थी कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, मुकदमा दर्ज हो, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या माना जाए कि केशम ने जो है मंत्री को क्लीन चिट दे दी है? हाँ, ऐसा ही लगे सरकार क्लीन चिट दे दे भाई इनको। नहीं, केशम ने क्या किया है, आपके संगठन ने मंत्री जी को क्या क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि आपका संगठन अब खामोश है? अरे हम क्यों क्लीन चिट देंगे, हम क्यों क्लीन चिट देंगे? हम हर बार कह रहे हैं, पूरा देश का किसान कह रहा है, क्या जिस तरह की हत्याएं हुई उसको कोई क्लीन चिट दे सकता है? बराबर जो है यूपी गवर्नमेंट पार्टी बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर चलते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टेनी के घर पे बुलडोजर 20 के मुलजिम पे कब चलेगा, वो देश की जनता को देखना है। केशम क्या मांग करता है योगी जी से? SKM जो मांग कर रहा है ये है कि इसकी बर्खास्तगी हो, जो घायल है उनको मुआवजा मिले और जो पीड़ित पक्ष है उनकी नौकरी, और जो लोग हमारे जेल में बंद हैं, मैंने एक बड़ा इशू है कि लोग हमारे जेलों में बंद हैं जो पूर्ण रूप से गलत फंसाए गए हैं। ठीक है जी, लगातार जो आप बता रहे हैं मांगे आपके शुरू से लगातार जारी, इन मांगों पे कितनी अभी तक मांगे जो आपको लगता है मानी गई हैं या लगता है कि मानी जाएंगी? पीड़ित पक्ष को जो मुआवजा था वो इन्होंने दिया है, अभी वो चीज़ तो हुई, और 120B का मुलजिम अभी खुला घूम रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो घायल है उसको मुआवजा कंपनसेशन नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, ये सारी चीज़ें हैं, प्रशासन से आज फिर अपना अपनी बात कहेंगे। SKM लगातार जो है उनकी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहा है, आप कई बार आए हैं, पीड़ितों से मिले हैं, उनके परिवार वालों से मिले हैं, SKM ने उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या किया है? अब तो व्यक्तिगत रूप से ही तो कर रहे हैं, पूरे देश में अगर आवाज़ उठ रही है तो SKM ही तो उठा रहा। उनके परिजनों के लिए कोई इस तरीके आपकी तरफ से कोई आर्थिक सहायता या कुछ मुहैया उनको जो मिली हुई है, आर्थिक सहायता मिली है तो उस पूर्ण रूप से SKM के उसी के उससे वो मिली है। आज किन मुद्दों पे बात होनी है और कैसे किससे किससे यही सारे मुद्दों पे बातचीत होगी कि उनको कैसे न्याय मिले, अपनी बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक है जी, जब आशीष मिश्रा को रिहाई मिली थी हाई कोर्ट से, उसके बाद आके अपने प्रेस वार्ता की थी और उसके बाद फिर आप बीच में खामोश रहे और उसके बाद फिर जब दोबारा वो जेल जाते हैं तो फिर SKM और टिकैत जी लखीमपुर आना शुरू कर देते हैं। हम पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ पे याचिका कर थी, दिल्ली भी हम इस मामले को देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, लखनऊ में भी देख रहे हैं, पूरे देश भर में देखते हैं। कोई आशीष ये ऐसे ही नहीं चला गया कोई जेल, कोई ऐसे ही चला गया, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे गए, हमारे एडवोकेट्स वहाँ पे गए और उसके माध्यम से जेल गया। इसको सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख रहा है और किसान संगठन भी देख रहा है। तो इसको लेकर अभी तक आपके SKM की तरफ से कोई आंदोलन, कोई ये आंदोलन ये है कि कोर्ट अगर इसको देख रहा है तो अभी ये लगता है कि आंदोलन की जरूरत नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग चल रही है तो एक बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हम अधिकारियों से अपनी बात कहते हैं, आंदोलन का अभी नहीं लगता कि आंदोलन की अभी जरूरत है जब तक कोर्ट की निगरानी में ये केस है। यह राकेश टिकैत जी, इनको कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर इनको पूरा भरोसा है, हालांकि ये बराबर उन बातों को लेकर मुद्दे उठाते रहे संगठन SKM जो इनका है, इन्होंने भी जो पीड़ित किसान थे या जो मृतक हैं उनके परिजनों को लेकर लगातार उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। बड़े आरोप भी टिकैत जी पर लगे हैं कि तिकोनिया कांड के बहाने बराबर टिकैत जी लाइम लाइट में आने का प्रयास करते हैं।
हैं और लगे भी क्यों ना, क्योंकि जब आशीष मिश्रा की जमानत होती है उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब उसके बाद ठीक है जी लखीमपुर से खामोश हो जाते हैं और उसके बाद जब पुनः उनको फिर हाई कोर्ट की जमानत रद्द होती है और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करता है, आशीष मिश्रा जेल जाते हैं तो एसकेएम और ठीक है जी लखीमपुर में फिर सक्रिय दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं से पदनों का आरोप लोगों की कयास और ठीक है जी के इस क्रियाकलाप पे आपसी कनेक्शन दिखाई पड़ता है। लखीमपुर की रिपोर्ट, गोपालगिरी।